हम यूं ही तो दोस्त नहीं बने, लेकिन दोस्त बने क्यों? तुम्हें याद है वो कॉलेज के शुरुआती साल, जब हम जाने पहचाने अजनबी हुआ करते थे, जब हम एक ही जगह पर होकर भी बहुत दूर हुआ करते थे। कई बार आमना सामना तो हुआ, लेकिन कोई वजह नहीं थी ठहर कर तुमसे बात करने की। कई बार तुम मेरे सामने तो थे, लेकिन तुम्हें इग्नोर कर साइड से गुजर जाना मेरी आदत थी, क्योंकि हम एक जाने पहचाने अजनबी ही तो थे। तब शायद मैं तुम्हारे लिए एक बोरिंग सी सीरियस टाइप लड़की थी, जो अपनी ही दुनिया में बिजी रहती और किसी से कुछ भी मतलब नहीं रखती, कोई बातचीत नहीं करती, बहुत शांत और खड़ूस सी अकेले रहती है। और तुम मेरे लिए बस एक मेरे बैचमेट थे, वो भी दूसरी सेक्शन से, जिससे ना तो मैं कभी फ्रेंडशिप करना चाहती थी और ना ही कोई बात। 1.5 सालों में गिनती के कहीं 2-3 बार हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए होंगे, वो भी कॉलेज के ही कामों से। तुम तो वैसे भी मेरी सीरियस शक्ल देख के डरते थे और मुझसे दूर ही रहते थे, क्योंकि हम एक जाने पहचाने अजनबी ही तो थे। पर एक दिन वक्त की सुई पलटी और आखिर वो शाम आ ही गई, जब हम दोनों की एक दूसरे को लेकर जो भी गलत फहमियाँ थीं वो ख़त्म हो गईं, और एक्चुअल में हम एक दूसरे को जान पाएँ, समझ पाएँ। सच बताऊँ तो उस वक्त मैं तुम्हारी बातें सुनना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि हम एक जाने पहचाने अजनबी ही तो थे। लेकिन मुझे तुम्हें सुनना पड़ा, क्योंकि तुम उस वक्त ऐसे सिचुएशन से ही गुजर रहे थे, और शायद कहीं ना कहीं हम दोनों की सिचुएशंस सेम थीं। अंदर ही अंदर हम दोनों लाइफ के सेम फेज से गुजर रहे थे, और शायद यही वजह है कि हम दोनों ने एक दूसरे को बेहतर समझा। उस शाम जो मैंने तुम्हें सुना, वो सिलसिला अब यूं ही चलता गया, कभी मैं तुमसे कुछ शेयर करती, कभी तुम मुझसे। अब हम जाने पहचाने अजनबी नहीं थे, अब हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब हम केवल बैचमेट ही नहीं थे, अब हम टी पार्टनर्स भी बन चुके थे। शाम में बातें शेयर करने के साथ साथ एक साथ बैठकर चाय पीना भी हमारे फ्रेंडशिप रूल में शामिल हो चुका था। मैं नहीं जानती हम दोस्त क्यों बने, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ ये सब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग्स, तुम्हारे बिहेवियर्स की वजह से था। तुम उस वक्त मुझे मिले जब दोस्ती से मेरा यकीन उठने लगा था। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तब तुम वहाँ मौजूद थे, तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, ज़रूरत पड़ने पर मुझे चीज़ें समझाई। एंड समटाइम्स यू आर लाइक माई पर्सनल साइकाइट्रिस्ट। एंड लिसन, ये बार बार मुझसे ना तुम्हारी तारीफ नहीं होगी, और हर वक्त मैं तुम्हारी दोस्त होने का मंत्र जाप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसलिए जब कभी मैं तुम्हें हर्ट करूँ या कुछ गलत बोल दूँ, तो ये मत सोचना कि शिखा बदल गई है, बस ये वीडियो देख लेना। अब थैंक यू तो मैं नहीं बोलने वाली, क्योंकि ये सब तुम्हारा हक था बोलना करना, फिर भी थैंक्स यार, हमेशा मुझे संभालने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मुझे दोस्ती पर एक बार फिर से यकीन दिलाने के लिए। यू आर स्पेशल फॉर मी बिकॉज यू आर अ ट्रू फ्रेंड। आज तुम्हारा बर्थडे है और ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए, तुम्हें वो सब मिले जो तुम्हारे दिल में है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।